जय श्री कृष्णा। हम सावन में आपको रोज नित्य नियम से कुछ नया करने के लिए बताते हैं, कुछ ऐसा जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए, कुछ ऐसा जिससे आपके घर में सुख शांति आए। पर सावन में बुधवार के दिन हम गणेश जी का ऐसा क्या उपाय कर ले, चाहे 3 साल का बच्चा हो या 30 साल का, आपको उसके लिए छोटे छोटे उपाय करते रहने चाहिए। बच्चों के अंदर सबसे पहली चीज जो हमें जरूरी चाहिए ना, वो है सही बुद्धि, सही विकास। बच्चों की बुद्धि सही होगी, उनका सही तरीके से विकास होगा, तो आप कभी भी उनसे परेशान नहीं होंगे। अब जिद करना, थोड़ी बहुत मस्ती करना, ये सारे तो बच्चों के मेरे ख्याल से एक ऐसे रंग और रूप है जिन्हें हमें इंजॉय करना चाहिए, समझाना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा सिखाना चाहिए। इन चीज़ों के लिए उपाय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उन बच्चों को सही ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा सही प्राप्त होनी चाहिए, जीवन की सफलताएं मिलनी चाहिए, जीवन में आ रहे हर कष्ट को दूर करने के उनके पास तरीके होने चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, तो ऐसा करने से आपके बच्चे के जीवन में हमेशा प्रगति बनी रहती है। एक बच्चे के लिए सबसे पहला गुरु उसके घर में होता है, वो उसकी माँ होती है। दूसरे गुरु उसके पिता होते हैं, तीसरे गुरु उसके बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो आप बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देते हैं, तो इससे हमेशा बच्चों के जीवन में सुख, समृद्धि और प्रगति आती ही आती है। बाकी उनके भाग्य को संवारने के लिए वो मैं आपको उपाय देती रहती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। भोलेनाथ और माँ पार्वती के पुत्र थे कार्तिकेय। उनके एक और पुत्र हुए जो हमारे प्रथम पूजनीय गणेश जी हैं। गणेश जी की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारी कहानियाँ हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि माँ पार्वती ने हल्दी का उपटन लगाया था अपने शरीर पर, और जब उन्होंने उस उपटन को उतारा तो उससे उन्होंने एक आकार दिया एक मूर्ति को, जिससे एक बालक बन गया और उस बालक के अंदर उन्होंने प्राण डाल दिए। वही बालक गणेश जी के नाम से जाना गया। वैसे तो ये कहानी बहुत लंबी है और सबको पता है कि उन्होंने गणेश जी को कह दिया था कि आप द्वार पे बैठो और कोई आना नहीं चाहिए द्वार के अंदर जब तक मैं ना कहूँ। वो बैठ गए। उन्हें पता नहीं था कि भोलेनाथ कौन है। भोलेनाथ आए तो उन्होंने कहा कि आप भारी रहिए, माता ने मना किया है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो भोलेनाथ ने कहा, अरे मेरे घर में जाने के लिए मुझे ही मना कर रहे हो। बोले, नहीं, माता का हुक्म है, आप अंदर नहीं जाएंगे। भोलेनाथ क्रोधित हो गए, उन्होंने क्रोध में आकर उनका सिर काट दिया। जैसे ही माँ गौरा ने इस बात को सुना कि कुछ हुआ, वो भागी भागी बाहर आई। उन्होंने आके भोलेनाथ से कहा, मुझे तो मेरा पुत्र चाहिए, आपने मेरे पुत्र का अंत किया है, अब आप ही मेरे पुत्र को मुझे वापस पुनः जीवित करके दीजिए। तो भोलेनाथ ने अपने गण पूरे विश्व में दौड़ा दिए और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी माता जो अपने पुत्र से पीठ कर कर सो रही हो, उनके पुत्र का सर ले आइए। सब सारी जगह घूमे, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण। एक हथनी ऐसी थी जो अपने बच्चे के तरफ पीट कर कर सो रही थी। उनके बालक का ही सिर ले आया गया और उसके बाद भोलेनाथ ने गणपति जी को धड़ मनुष्य का दिया और सिर एक हाथी का दिया। पर जो भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत प्यारे हैं, हर रूप में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन बुद्धि उनके जितनी किसी में नहीं, उनके जैसा बड़ा आज तक कोई ज्योतिषी नहीं। उन्होंने जितनी भी चीज़ों को लिखा है, पढ़ा है, वो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, कोई नहीं लिख पाया। उनसे ज़्यादा बुद्धिमता आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए उन्हें बुद्धि के लिए पूजा जाता है। वैसे तो गणपति जी का बहुत तरीकों से पूजन किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है, पर आज सावन के बुधवार को आप अपने बच्चे के भाग्य को जगाने के लिए छोटा सा उपाय करेंगी। आप अपने बच्चे को अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए छोटा सा उपाय करेंगी और आप अपने बच्चे के जीवन को संवारने के लिए ये एक छोटा सा उपाय ज़रूर करेंगी।
वैसे सावन में अगर बच्चों के गले में गणेश रुद्राक्ष धारण करा दिया जाए, सिद्ध अभिमंत्रित गणेश रुद्राक्ष धारण कराने से बच्चों की बुद्धि हमेशा सही रहती है, उनकी बुद्धि का विकास होता रहता है, उन्हें सही शिक्षा की प्राप्ति होती है, उनके अंदर सद्गुण हमेशा बना रहता है। चलिए जी, आपको बुधवार को क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये तो बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। सावन में बुधवार के दिन हरे वस्त्र पहनकर गणपति जी के मंदिर में जाइए। गणपति जी के मंदिर में जाकर उनकी नाभि के ऊपर पंडित जी को बोलकर थोड़ी सी हल्दी लगवा दीजिए, उनके मस्तिष्क पर हल्दी का तिलक लगवा दीजिए और जो हल्दी बच जाए ना उसे डिब्बी में बंद करके वापस अपने घर ले आइए और लाकर अपने बच्चों के मस्तिष्क पर लगाना चालू कर दीजिए। लेकिन साथ में आपको दो काम और करने हैं। आपको दुर्वा की 11 माला तैयार करनी है और आपको बुधवार के दिन गणपति जी को एक एक माला अर्पित करते वक्त ओम गम गणपते नमः का जाप करना है। अपने बच्चों की सुख शांति के लिए, उनकी बुद्धि के विकास के लिए आपको प्रार्थना करनी है। भोग में उन्हें लड्डू खिलाना मत भूलिएगा, उन्हें विशेष प्रिय हैं। छोटा सा उपाय है लेकिन आपके बच्चे के जीवन में परिवर्तन जरूर लाता है। अगर आपके बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे या उनके विवाह में किसी तरह की कोई रुकावट आ रही है तो आपको 2 हल्दी की गांठ गणेश जी के पेट पर स्पर्श करके लाकर अपने बच्चे के गले में पहना देनी चाहिए। करके देखिए, शीघ्र विवाह होगा, होगा तो आप हमें भी मिठाई ज़रूर खिलाइएगा। चलिए, जिनके बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहती है, जो अपने जीवन में सुख नहीं पा पा रहे, जिनके बार बार एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं या वो बार बार बीमार बहुत पड़ जाते हैं, तो ऐसी माताओं को बुधवार के दिन एक लोटे के अंदर जल में थोड़ी सी हल्दी और 1 रुपए का सिक्का डालकर गणपति जी के 12 नामों का जाप करते हुए उनका अभिषेक करना चाहिए। सावन के बुधवार छोटा सा उपाय लेकिन आपके बच्चों की ज़िंदगी को सवार जाए। चलिए जी, ऐसा ही कुछ अच्छा नया और अद्भुत लेकर फिर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपके साथ फिर मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।